हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड सो टूडेडियो इन दिसक ऑफ कम्प्यूटर विद ए आई बेस्ड ऑन विंडो टेन एंड एमएस 2016 थाउजेंड सिक्स न्यू बुक कम्प्यूटर की हम स्टार्ट करने जा रहे है वो है जो की है क्लास 6th की सो so, ये फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके का है इस बुक का आप देख सकते हैं लावा जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा

ओके okay, नाउ अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा यू नो दैट अ कंप्यूटर इज अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जो कई सारे डिफरेंट ऑपरेशन काम करती है ऑल्टो द कंप्यूटर वॉज ओरिजिनल इन्वेंटेड फॉर हाई स्पीड एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन बट इट इज नॉट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर ओरिजिनली जब इन्वेंट किया गया था हाई स्पीड थी एक्यूरेट कैलकुलेशंस होती थी बट इसका इन्वेंशन सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन के लिए नहीं किया गया ये कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं है सिर्फ द कंप्यूटर परफॉर्म्स एंड एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व ऑर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा सो so, जो कंप्यूटर होता है वो हमारा किसी भी तरह का फंक्शन वर्क जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है वो परफॉर्म कर सकता है इट प्रोसेज द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन और इनपुट गिवन एंड गिव द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट ये प्रोसेस करता है डाटा को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन या इनपुट के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है एज एन आउटपुट सो लेट इज लर्न अबाउट द डिफरेंट कटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस हम जानेंगे कंप्यूटर की कैटेगरीज एंड कम्प्यूटर के डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर कम्प्यूटर की कैटेगरीज से हम स्टार्ट करेंगे नाउ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द स्पीड साइज एंड मेमोरीज स्टोरेज कैपेसिटी कम्प्यूटर्स आर कैटेगराइज इन टू द फॉलोइंग टाइप्स स्पीड साइज मेमोरी के बिहावर जो कैपेसिटी है कंप्यूटर के स्टोरेज उसको हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं अब ये पहला टाइप है हमारे कंप्यूटर का पहला माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं मिनी से होते हैं कुछ इस तरह का माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ सिंगल चिप प्रोसेसर दिस मेक देम कॉस्ट इफेक्टिव ये साइज में छोटे होते हैं और सिंगल चिप प्रोसेसर से बने होते हैं जो इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है क्या बनाता है काफी कॉस्ट इफेक्टिव दे आर पावरफुल मशीन ये काफी पावरफुल मशीन्स होती है दे आर वाइडली यूज इन स्कूल होम्स ऑफिस बैंक शॉप एंड होटल ये ज्यादातर कहा जाते हैं स्कूल में होम्स में ऑफिस में बैंक में शॉप में होटल्स में इन जगह पे इस माइक्रो कंप्यूटर का यूज ज्यादा देखने को में मिलता है जैसे इसके एग्जाम्पल्स है सी सिक्स फोर एंड आई बी एम पी सी ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है नाव अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे नेक्स्ट इज योर मिनी कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं मिनी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा छोटे होते होंगे कंप्यूटर है ना दे आर बिगर इन साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर बट ये साइज में बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कंपेरिजन में क्या मिनी कंप्यूटर सिर्फ नाम है बट ये साइज में बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कंपेरिजन सेवरल हंड्रेड यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे एग्जाम्पल्स वैक्स कंप्यूटर एंड पी डी पी एट इसके एग्जाम्पल क्या है वैक्स कंप्यूटर एंड पी डी पी एट ये एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर्स के नेक्स्ट देखेंगे मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स क्या होते हैं ये तो आपको जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा तो और भी बड़े दिख रहे है ना दे आर बिग कम्प्यूटर्स विदार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड ये काफी बड़े होते हैं और इनकी हाई स्पीड भी अच्छी होती है और मेमोरी भी ज्यादा होती है इनकी दे हैव मल्टीपल सी इनके अंदर कई सारे सीपीयूज लगते हैं एक सीपीयू नहीं कई सारे दे आर मेनली यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बेंच एंड गवर्नमेंट ऑफिस ये मेनली लिंक इनके द्वारा यूज किए जाते हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना लाइक बैंक हो गया गवर्नमेंट ऑफिस हो गए वहां पे इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज हमें देखने को मिलता है दे आर वेरी पावरफुल ये काफी पावरफुल होते हैं इसके एग्जाम्पल है पीडीपी टेन आई बी एम थ्री हंड्रेड नाइनटी एंड सिस्टम जेड टेन तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के तो अभी हमने तीन कंप्यूटर्स पढ़े है कौन कौन सी माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर तो इन तीन तरह के हमने कंप्यूटर पढ़ लिए अब हम एक तरीके का और पढ़ेंगे जिसका नेम है सुपर कंप्यूटर क्या है सुपर कंप्यूटर बट उससे पहले हम डू यू नो देखेंगे मेन कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स आर नॉट यूज मच जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो ज्यादा यूज नहीं किए जाते मेन फ्रेम कंप्यूटर्स फर्स्ट डेवलप बाय द कंपनी नेम आई मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स है जो डेवलप किए गए थे पहली बार कौन सी कंपनी द्वारा जिसका नाम है आई बी एम क्या नेम है आई बी एम ये नाम है <laughs> सुपर स क्या होते हैं तो कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है टाइटन सुपर कंप्यूटर दे आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर ये वर्ल्ड के सबसे बड़े और फास्ट वर्क करने वाले कंप्यूटर्स होते हैं दे प्रोसेस यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन सेकेंड ये कई सारी बड़ी अमाउंट में जो डाटा होता है उसे विद इन सेकेंड में प्रोसेस कर देते हैं दे हैव मल्टीपल सीपीयूज एंड जीपीयूज पी इनके पास कई सारे मल्टीपल सीपीयूज एंड जीपीयूज यूज होते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू की होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट दे आर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च इनका यूज कहां पे किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग वेदर के बारे में नॉलेज बताना कि वेदर कैसा है आने वाले दिनों में वेदर कैसा रहेगा उसके लिए इसका यूज किया जाता है और डिफेंस स्पेस रिसर्च के लिए हम इन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं जिनका नाम है सुपर कंप्यूटर्स एग्जाम्पल्स आर क्रे टाइटन प्रत्युष मेहर इनके एग्जाम्पल क्या है क्रे है टाइटन है प्रत्युष है मेहर कुछ एग्जाम्पल है आपकी सुपर कंप्यूटर्स की नाउ हेयर इज योर एमसी क्यू एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्या बोला गया है आलोक इज अ बैंक मैनेजर आलोक क्या नाम का एक बॉय है जो कि बैंक मैनेजर है हिज बैंक इज लोकेटेड इन अ स्मॉल टाउन उसका बैंक कहां पर कहा छोटे से टाउन में है ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट हिज बैंक टू हिज अदर बैंक अदर ब्रांचेस वो क्या करना चाह रहा था अपने बैंक को दूसरी ब्रांचेस से कनेक्ट करना चाहना चाह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर डज ही नीड तो इनमें से से कौन कंप्यूटर की उसे जरूरत होगी माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर तो ये इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली अब आपने इतने सारे पढ़ रही है इतना मैंने समझाया तो इसका आंसर आप खुद ही देंगे तो so चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फिगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बाय स्टूडेंट्स